Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the resolution of the National Transmission and Distribution of Electric Power Amendment Ordinance 2017 of 2001 for the further period of 120 days with effect of December. Under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph, clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those that say no, I think I have it in consideration. The resolution is adopted. जी, शाजिया मरी. बहुत चैलेंज कर रहे हैं. Sir, I challenge the vote. Count should be made. हाँ, ये चैलेंज वोट चैलेंज किया गया है. जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. जो सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट बी मेड. अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट हो रही है. अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है. एक जानब आप देख सकते हैं, दूसरी जानब अपोजिशन की जानब से कौमी असम्बली के इस इजलास में शोर शराबा भी किया जा रहा है. जो रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. बाकी भाई से आप तशरीफ रखें प्लीज. अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. अपनी टीम की खड़ी करोगे? जी सर. जल्दी करें शाबाश. कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है. इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं. राना तारिक, आगाह कीजिएगा अब तक की कौमी असम्बली के आज के इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक. जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास जो ही स्पीकर की जेर सदारत शुरू हुआ, तिलावत और नात के बाद कौमी जाने के बाद जो है एजेंडे की कार्रवाई शुरू की गई. तो मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की तरफ से आज रूल्स मुअत्तल करने की जो तहरीक है वो पेश की गई, उसको मंजूर किया गया कि आज का एजेंडा जो है सवाल जवाब का और दूसरा एजेंडा जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. जिस पर आज उस तहरीक की मंजूरी के बाद जो ही मशीर खजाना वजीर खजाना शौकत तरीन फिनांस बिल को पेश करने की तहरीक जो है वो बनने लगे, तो ओपोजिशन ने शोर शराबा किया. जिस पर ओपोजिशन के तमाम अरकान जो है ज्वाइंट ऑपोजिशन कौमी असम्बली की, वो तमाम के तमाम अरकान ने स्पीकर डाइस का घुराव कर लिया और उस पर शदीद नारेबाजी
की गई है, ओपोजिशन की तरफ से प्ले कार्ड उठाए गए हैं जिस पर IMF बजट नामंजूर नामंजूर के नारे दर्ज हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम एजेंडे की कापियां, जो फाइनेंस बिल की कापियां उनके टेबल पर रखी गई थी, वो उन्होंने हार दी हैं, और तमाम के तमाम अरकान जो है इस वक्त ओपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, उससे कबल नवीद कमर की जानिब से एतराज उठाया गया, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी तारीख में ये नई रवायतें जन्म ले रही हैं, आज तक पार्लिमानी जितनी भी बुरी ओपोजिशन से मुशावरत की जाती है ओपोजिशन को बोलने का मौका। सैयद नवीद कमर की जानिब से नुक्ता उठाया क्या जल्दी करें शाबाश। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा अब तक की कौमी असेंबली के आज के इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज कौमी असेंबली का इजलास जो ही स्पीकर की जेर से ज्यादा शुरू हुआ, तिलावत और नाद के बाद कौमी जाने के बाद जो है एजेंडे की कार्रवाई शुरू की गई, तो मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की तरफ से आज रूल्स मुअत्तल करने की जो तहरीक है वो पेश की गई, उसको मंजूर किया गया कि आज का एजेंडा जो है सवालों जवाब का और दूसरा एजेंडा जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिस पर आज उस तहरीक की मंजूरी के बाद जो ही मशीर खजाना वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल को पेश करने की तहरीक जो है वो बनने लगे, तो ओपोजिशन ने शोर शराबा किया, जिस पर ओपोजिशन के तमाम अरकान जो है जॉइंट ओपोजिशन कौमी असेंबली की, वो तमाम के तमाम अरकान ने स्पीकर डाइस का घुराव कर लिया, और उस पर शदीद नारेबाजी की गई है, ओपोजिशन की तरफ से प्ले कार्ड उठाए गए हैं जिस पर IMF बजट नामंजूर नामंजूर के नारे दर्ज हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम एजेंडे की कापियां, जो फाइनेंस बिल की कापियां उनके टेबल पर रखी गई थी, वो उन्होंने हार दी हैं, और तमाम के तमाम अरकान जो है इस वक्त ओपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, उससे कबल नवीद कमर की जानिब से एतराज उठाया गया, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी तारीख में ये नई रवायतें जन्म ले रही हैं, आज तक पार्लिमानी जितनी भी बुरी ओपोजिशन से मुशावरत की जाती है ओपोजिशन को बोलने का मौका। सैयद नवीद कमर की जानिब से नुक्ता उठा।